बच्चों इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं सुपरपोजिशन एंड बीट्स इन साउंड साउंड वेव्स के सुपरपोजिशन और बीट्स की स्टडी करेंगे नेक्स्ट हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट में फ्रिक्वेंसी चेंज ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स उसको हम स्टडी करेंगे तो हम सबसे पहले सुपरपोजिशन को स्टडी करते हैं एज यूजल हमने ये टॉपिक स्ट्रिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग पर भी स्टडी किया है वहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था और यहां पर हम प्रेशर एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो अगर हमें प्रेशर वेव कुछ इस तरह से दे, रख, दे रखी है जिसका P1 वन इक्व टू पी वन नॉट दिस इज द एम्पलीट्यूड कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और पी टू पी टू क्या है पी टू नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स फाइव प्लस फाइव तो यहां पर आप देखोगे दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस है डेल्टा फाइव इट इज इक्वस टू फाइव तो यहाँ पर अगर हम दोनों को ऐड करते हैं दोनों का इंटरफेरेंस करते हैं तो जो चेंज इन प्रेशर होगा वो होगा दोनों का सम यानी कि P1 वन प्लस पी और यहाँ पर P1 वन प्लस पी को अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा P1 वन नॉट स्क्वायर प्लस पी टू नॉट स्क्वायर प्लस टू पी वन नॉट पी टू नॉट कॉस फाइव होल का वन बाई टू होल टू दावर वन बाई टू और यहाँ पर आएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा इस तरह से हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा तो हमारा फोकस है इस पर तो प्रेशर एम्पलीट्यूड क्या बनेगा तो बच्चों इसको आपको याद होगा हमने वेक्टर मेथड से भी ऐड किया था कि अगर हम प्रेशर वन और प्रेशर टू के अंदर फाइव एंगल डिफरेंस ले लेते हैं और दोनों को वैक्टर कंसिडर करते हैं तो दोनों वैक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो डेल्टा पी को रिप्रेजेंट करेगा यानी कि इस पूरे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा तो आपने क्या माना कि ये दो वेक्टर हैं और दोनों के बीच में फेस डिफरेंस इन दोनों के फेस डिफरेंस के बराबर है तो यहां पर P1 वन नॉट लिया P2 टू नॉट लिया दोनों के अंदर एंगल का जो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है वो फाइव है फेस डिफरेंस के बराबर है तो दोनों का वैक्टर्स हम करेंगे तो डेल्टा पी आ जाएगा तो डेल्टा पी स्क्वायर वी कैन राइट पी वन नॉट स्क्वायर प्लस पी टू नॉट स्क्वायर प्लस टू पी वन नॉट पी टू नॉट कॉस फाइव ये बच्चों कैसे आता है वेक्टर मेथड से आता है नेक्स्ट इज इंटेंसिटी इंटेंसिटी यू ऑल ऑलरेडी नो इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी उस पॉइंट पर जो इंटरफेरेंस से बनेगी वो होगी आई और यहां पर इसको दिस इज प्रपोर्शनल टू पी वन नॉट स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू आई वन एंड पी टू नॉट स्क्वायर इज प्रपोर्शनल टू आई टू और यहां पर पी वन नॉट पी टू नॉट की जगह हम रूट आई वन आई टू और दिस टर्म विल बी और कॉस फाइव कॉस फाइव और इसका होल का रूट तो इस तरह से आ जाएगा और यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम देखेंगे कि हमारा फाई की वैल्यू क्या होती है यानी कि इवन मल्टीपल ऑफ टू पाई और वहां पर हमारा जो पाथ डिफरेंस है इट कैन बी एन लेमडा वहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा और पाथ डिफरेंस विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू वेव लेंथ डिवाइड बाई टू तो ये हमारा सुपरपोजिशन होता है नेक्स्ट होता है हमारा बीट्स इन साउंड तो बीट्स हम ऐसे ही स्टडी करेंगे दो हमारे प्रेशर वेव बन जाएंगी दिस इज योर ओमेगा वन यहां पर ओमेगा वन इज नियरली इक्वल्स टू ओमेगा टू और ओमेगा वन इज ग्रेटर देन ओमेगा टू यानी कि ये बहुत पास पास की दो फ्रिक्वेंसी है तो अगर इन दोनों को हम सो पर इम्पोज करते हैं दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ट्रेवलिंग वेव इक्वेशन है दोनों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो पी वन होगा पी वन नॉट कॉस ओमेगा वन टी माइनस एक्स वाई वी पी टू होगा पी टू नॉट कॉस ओमेगा टू टी एक्स माइनस वी दोनों को ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से आ जाएगा टू पी नॉट कॉस ओमेगा वन ओमेगा टू बाई टू माइनस एक्स वाई वी और दूसरा टर्म आएगा कॉस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू टी माइनस एक्स वाई वी तो यानी कि आपको दो फ्रिक्वेंसी मिल जाएंगी एक मिलेगी ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाई टू और एक मिलेगी ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू तो यहां पर देखेंगे कि ये जो स्मॉलर फ्रिक्वेंसी है स्मॉलर फ्रिक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड जीरो आएगा वो देर में आएगा यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा फ्रिक्वेंसी अगर स्मॉल हुई तो टाइम ज़्यादा होगा और लार्जर फ्रिक्वेंसी फास्टर ऑसिलेट होगी ये तो ये जो स्मॉलर फ्रिक्वेंसी है ये आपको किसको गवर्न करेगी ये एम्पलीट्यूड को गवर्न करेगी तो यानी कि इसको ये इस तरह से कैप करेगी हमारे एम्पलीट्यूड को तो इसमें हम बीट फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो जो स्मॉलर फ्रिक्वेंसी है वो हमें बीट फ्रीक्वेंसी देती है और बीट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है दैट इज ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू बाई टू पाई दैट इज एफ वन माइनस एफ टू इस तरह से हम ऑलरेडी बीट फ्रीक्वेंसी को ये स्टडी कर चुके हैं बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं बीट्स पर बेस्ड है क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू गि फाइव बीट पर सेकेंड वेन साउंडेड विथ सोर्स ऑफ फ्रिक्वेंसी टू हंड्रेड हॉर्ट यानी कि न्यू की वैल्यू हमारी क्या है टू हंड्रेड प्लस माइनस फाइव हॉर्ट ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है यानी कि यह फ्रीक्वेंसी टू हंड्रेड के साथ फाइव बीट देती है तो न्यू आपकी या तो टू हंड्रेड फाइव होगी या फिर वन नाइनटी फाइव होगी टू हंड्रेड के प्लस माइनस फाइव होगी आगे दिया हुआ है द सेकेंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी टू न्यू

फोर टेन और फोर थर्टी ये आ जाएगी और यहां से न्यू की वैल्यू आप निकालेंगे न्यू की वैल्यू आपके पास वन नाइनटी फाइव और टू जीरो फाइव तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू न्यू की वैल्यू आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट लाइक थ्री नाइन्टी और फोर टेन हर्ट ये मिल जाएगी तो आपने पहली इक्वेशन से निकाला कि आपको न्यू की वैल्यू ये है तो टू न्यू की वैल्यू ये आनी चाहिए और आपको सेकेंड हारमोनिक को दिया हुआ है कि फोर ट्वेंटी के साथ टेन बीट्स आ रही है तो टू न्यू की वैल्यू अब आप, आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास एक कॉमन है यानी कि फोर टेन फोर टेन इज कॉमन तो टू न्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए फोर टेन होनी चाहिए टू न्यू विल बी फोर 10 न्यू की वैल्यू आपके पास 205 हर्ट्ज आएगी और आपका आंसर हो जाएगा यानी कि a 205 हर्ट्ज नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है टू वेवलेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड 51 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 12 बीट्स पर सेकंड द वेलोसिटी ऑफ साउंड ये आपको दिया हुआ है दो वेवलेंथ आपको दे रखी हैं दो वेवलेंथ है लेट्स से लैम्डा 1 2. Okay. और के बीच पे, तो हम इनकी एफ वन निकाल सकते हैं एफ वन बी बाई तो हम जा, जानते हैं कि जिसकी लेमडा कम होगी उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी तो हम बोल सकते हैं कि एफ वन माइनस एफ टू इक्वल टू टे v बाई दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है ट्वेल्व आ रहा है अब यहां पर लेमडा आपको सेंटीमीटर में दे रखी है तो हम इसको बोल सकते हैं v, की वैल्यू फिफ्टी सेंटीमीटर डिवाइड बाई हंड्रेड करेंगे तो ये आपका हंड्रेड आ जाएगा इन मीटर्स हो जाएगा माइनस वी लेमडा की वैल्यू फिफ्टी वन सेंटीमीटर डिवाइड बाई हंड्रेड करेंगे तो मीटर्स में आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ट्वेल्व। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी इंटू हंड्रेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इंटू फिफ्टी वन। एल इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा तो आपके पास फर्दर सॉल्व करने के बाद आपके पास ये बनेगा सिक्स इंटू फाइव फिफ्टी यानी कि न्यू की वैल्यू सॉरी वेलोसिटी की वैल्यू है आपके पास बन जाएगी थ्री जीरो सिक्स ये आपकी मीटर पर सेकेंड में वैल्यू आ जाएगी आप इसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली इसका एलसीएम लेना है मल्टीप्लाई करना है और यहां से वी की वैल्यू यानी कि एक ही वेरिएबल है और इसकी वैल्यू आपको थ्री जीरो सिक्स मिल जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है थ्री साउंड ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूडीज एन माइनस वन एन 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 प्लस बीट द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस पर सेकेंड विल बी तो बच्चों अगर आप मोर देन मोर देन टू फ्रीक्वेंसी अगर आपको दी जाए यू आर गिव इन मोर देन टू फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी सो वट यू विल डू आप क्या करेंगे यहां पर आपने फ्रीकवेंसी का डिफरेंस लेना है एक पेयर बिल्ड करना है एक देखो एक पेयर ये बनेगा आपके पास n n प्लस वन एक पेयर ये बनेगा और तीसरा पेयर बनेगा n माइनस वन कॉमा एन प्लस वन ये पेयर तो इसकी बीट फ्रिक्वेंसी आप लेट से इसको मैं बी बी वन बोल रहा हूँ ये वन आएगी बी टू की बीट फ्रीक्वेंसी बी टू इज ऑल्सो वन और बी थ्री की इज ऑल्सो विल बी टू तो दोनों का डिफरेंस इन दोनों का लोगे तो वन आएगा इन दोनों का लोगे तो वन आएगा और इन दोनों का डिफरेंस टू आएगा तो so, अब जो बीट फ्रिक्वेंसी निकालनी है अब क्या करना है आपको एलसीएम ऑफ ऑल थ्री एलसीएम ऑफ बीट फ्रिक्वेंसी वन बीट फ्रिक्वेंसी टू एंड बीट फ्रिक्वेंसी थ्री ये आपको लेना तो so, यहां पर आप देखेंगे वन कामा टू वन कॉमा टू का एल यू विल गेट टू तो यहां पर ये आपका क्या हो जाएगा दिस विल बी और बीट फ्रीक्वेंसी आंसर आपका क्या हो जाएगा दैट इज दू विच इज इक्वल इज गिवन इन द ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर दिया हुआ है थ्री हार्मोनिक वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसी न्यू हैव सेम इंटेंसिटी आई नॉट हैव फेज एंगल जीरो पाई बाई फोर एंड माइनस पाई बाई फोर रिस्पेक्टिवली वेन दे आर सुपर इम्पोज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज क्लोज टू बच्चो अगर आपको अगेन यहां पर थ्री वेव दे रखे हैं तो यहां पर यू विल यूज द वैक्टर मैथड वैक्टर मैथड वैक्टर मैथड में हम सबसे पहले एम्पलीट्यूड पर फोकस करेंगे एम्पलीट्यूड पर और हम बोलेंगे इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर तो बच्चों यहां पर वेक्टर मेथड में आप देखोगे कि एक तो जीरो आपने लिया है और यहां पर इसका एम्पलीट्यूड ए और एक इससे प्लस पाई बाई फोर और एक तीसरा वेक्टर इससे माइनस पाई बाई फोर पड़ा होगा माइनस पाई बाई फोर यानी कि डाउनवर्ड पाई बाई फोर होगा तीनों का एम्पलीट्यूड बराबर है क्योंकि इंटेंसिटी बराबर है अब आप देखोगे इसके आप कॉम्पोनेंट लोगे ठीक है इसके आप कॉम्पोनेंट लेने जाओगे तो ये आपको ए बाई रूट टू मिलेगा अप डायरेक्शन में और ये भी आपको ए बाई रूट टू डाउनवर्ड डायरेक्शन और इधर ये दोनों ऐड हो जाएंगे यानी कि ए बाई रूट टू प्लस ए बाई रूट टू ये आपको ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो नेट एम्पलीट्यूड जो आने वाला है प्राइम विच विल बी ए प्लस ए बाई रूट टू प्लस ए बाई रूट इसको आप ऐड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा ए वन प्लस रूट टू तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी होगा विल बी प्रोपोर्शनल टू ए प्राइम होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर वन प्लस रूट टू होल स्क्वायर अब इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर इसको स्क्वायर करेंगे वन प्लस टू प्लस टू रूट टू ये आपके पास आ जाएगा तो आप इंटेंसिटी को i प्राइम को लिख सकते हो i प्राइम इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर इन टू आप यहां पर दिस विल बी थ्री प्लस थ्री प्लस टू रूट टू रूट टू की वैल्यू आप वन पॉइंट फोर डालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा that one, two root two की वैल्यू आपके पास It will be equals to A square into तो हम A square को रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ के टाइम्स आई नॉट तो आई प्राइम विल इक्वल्स टू आई नॉट क्योंकि हमारा जो आई नॉट होगा वो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होगा तो हम इसको ए स्क्वायर को आई नॉट से रिप्लेस कर देंगे ये आपका फाइव पॉइंट एट तो आपका आई प्राइम की वैल्यू 5.8 पॉइंट टाइम्स आई नॉट आ जाएगी तो ये हमने स्क्वायर किया इसको स्क्वायर किया इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हमारा क्या आ गया आई प्राइम आ गया तो आई प्राइम विल बी प्रोपोर्शनल टू फाइव टाइम फाइव पॉइंट एट नॉट तो आप यहां पर आंसर देखेंगे आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा फाइव पॉइंट नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है टू ट्यूनिंग फॉक्स वन एंड टू आर साउंडेड साइमिलियसली फोर बीट्स पर सेकेंड आर हर्ड अब यहां पर दो ट्यूनिंग फॉक है आप इसको एफ वन एंड एफ टू बोल सकते हैं और आपको दिया हुआ है एफ वन माइनस एफ टू प्लस माइनस आप इसको बोल सकते हैं इक्व टू सॉरी एफ वन माइनस एफ टू एफ वन माइनस एफ टू का मोडलस इज फोर यानी कि कोई भी इसमें बड़ा हो सकता है एफ वन भी बड़ा हो सकता है एफ टू भी बड़ा हो सकता है अब ये बोलते हैं कि नाउ टेप इट टेप इज अटैच टू द प्रोंग ऑफ फॉक फॉक फू पर टेप अटैच कर दिया तो जैसे ही इस पर टेप अटैच करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू विल डिक्रीज क्योंकि ये हैवियर हो जाएगा वेन द ट्यूनिंग फॉक आर साउंडेड अगेन सिक्स बीट्स पर सेकेंड तो बच्चों कभी भी जब डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है तो आपने इंक्रीज इसको लोअर डाउन किया है तो जैसे इसको लोअर डाउन करेंगे तो आप क्या करेंगे ये आपका एफ टू प्राइम हो जाएगा एफ टू प्राइम एफ टू प्राइम हो जाएगा और ये इंक्रीज कर दिया यानी कि आप यहां पर देखेंगे कि F1 वन इज ग्रेटर देन f2। अगर F1 वन इज ग्रेटर देन f2 है और F2 को अगर और कम कर दोगे तो इनका डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा तो यहां पर F1 ज्यादा होगा F2 से आगे इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है 200 हंड्रेड हर्ट एफ वन इज टू तो हम बोल सकते हैं F1 वन माइनस एफ टू इज फोर और ये आपको 200 दे रखा है तो F2 की वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो ये 196 नाइनटी सिक्स हो जाएगी आप आपका आंसर हो जाएगा यानी कि D 196 नाइनटी सिक्स बच्चों, one beat per second. विद फ्रीक्वेंसी per second. Okay. With बीट पर normal mode बीट पर of ओपन पाइप of अगर हम पाइप की बात करें तो इसका थर्ड नॉर्मल यानी कि थर्ड हार्मोनिक ओपन पाइप का 3f0 एफ अब ये किसके साथ बीट देता है यानी कि इट इज माइनस टू फिफ्टी सिक्स इक्व टू यानी कि आप देखेंगे इट इज प्लस माइनस वन इक्व टू टू फिफ्टी सिक्स यानी कि टू फिफ्टी सिक्स या तो एक ज्यादा होगी या एक कम होगी इस तरह से देख सकते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि थ्री एफ नॉट विल बी इक्व टू ईदर टू फिफ्टी फाइव और टू फिफ्टी सेवन ये दिया हुआ है अब पूछा हुआ है वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको देखे व्हाट इज पाइप तो बच्चों सबसे इजी तरीका आप देखेंगे कि अगर F0 को हम ले रहे हैं तो दिस विल बी फैक्टर, थ्री। फैक्टर थ्री देखेंगे, तो एफ नॉट की वैल्यू आपको यहां से दैट इज एटी फाइव ये आ जाएगी एफ नॉट आपको एटी फाइव आ जाएगी और आप फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हो एफ नॉट इक्वल टू वी बाई ले तो ओपन पाइप के केस में लेमडा की वैल्यू टू एल होती है क्योंकि हमारा कुछ ऐसे होता है यानी कि यहाँ पर आपकी प्रेशर नोड बनती है और यहाँ पर एंटी नोड और यहाँ पर नोड ओपन पाइप में ऐसे बनता है तो ये नोड होती है और ये भी नोड होती है तो लेंथ ऑफ पाइप इक्वल टू टू एल वी कैन से इक्व टू टू एल विच इज इक्व टू वी बाई एफ तो यहां पर टू एल की वैल्यू थ्री फोर्टी बाई एटी फाइव यह आ जाएगी आप इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल गिव यू फोर सो एल विल बी टू मीटर विच इज इक्वल टू टू हंड्रेड सेंटीमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा आप इस ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट इज द एपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी ड्यू टू द रलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड द ऑब्जर्वर तो जब भी भी हमारे ऑब्जर्वर और सोर्स से जैसे सोर्स से कोई वेवलेट्स निकली और ये ऑब्जर्वर तक पहुंची अगर इस ड्यूरेशन में ऑब्जर्वर का या सोर्स का कोई मोशन होता है तो जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी होती है वो चेंज होती है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी से तो इसमें सबसे पहला केस हम कंसिडर करते हैं वेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे और टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स यानी कि हमने सोर्स को इसको स्टेशनरी कंसीडर किया हुआ है और यहां पर ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे तो इस केस में जो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है यहां पर जो सोर्स की फ्रिक्वेंसी है दैट इज एफ नॉट तो यहां पर जो ऑब्जर्वर को सुनाई सुनाई देगी तो वो होगी एफ प्राइम एफ प्राइम को हम लिख सकते हैं एफ नॉट वी माइनस वी नॉट वी माइनस वी ओ `v_o` is the velocity of observer, `v_o` is the velocity of observer and `v` is the velocity of sound in the medium. जो भी given medium है, let's say it will be air. तो अगर इसमें ये observer move करता है away, away move करता है, तो `v v_o` यहाँ पर आएगा। अगर ये टूवर्ड्स मूव करता है दूसरे केस में इफ इट इज मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स टूवर्ड्स द सोर्स कर रहे हैं तो यहां पर v प्लस वी ओ हो जाएगा तो इस केस में हम f प्राइम को लिख सकते हैं f नॉट v velocity of sound plus minus velocity of observer over velocity of sound इस तरह कर सकते हैं तो ये प्लस कब आएगा जब ये सोर्स की तरफ अप्रोच करेगा और माइनस कब आएगा जब ये सोर्स से अवे जाएगा नेक्स्ट इज सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टेशनरी ऑब्जर्वर अभी हमने ऑब्जर्वर को स्टेशनरी ले रहे हैं और सोर्स को मूव करा रहे हैं तो पहले केस में वी आर कंसिडरिंग सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो अगर सोर्स आपकी ऑब्जर्वर के टूवर्ड्स मूव कर रही है और ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी अगेन योर एफ नॉट तो यहां पर इस केस में एफ प्राइम की वैल्यू होती है एफ नॉट वेलॉसिटी ऑफ साउंड वी माइनस वी एस वेयर वी एस इज द वेलॉसिटी ऑफ सोर्स सोर्स की वेलोसिटी क्या है आपकी वी एस है तो यहां पर अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है तो ये माइनस आ जाएगा और इफ इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर यहां पर ये यह प्लस आ जाएगा तो ये एफ प्राइम विल बी एफ नॉट वी माइनस वी तो अगर आप इसको याद करना चाहें तो न्यूमरेटर में जो प्लस माइनस आएगा वो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आएगा और डिनोमिनेटर में प्लस माइनस आएगा वो वेलोसिटी ऑफ सोर्स आएगा यानी कि ऑब्जर्वर आपका न्यूमरेटर में आता है और सोर्स की वेलोसिटी हमेशा आपकी डिनोमिनेटर में आएगी यहां पर सोर्स की वेलोसिटी आएगी इस तरह से याद कर सकते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर सोर्स सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी हमेशा f प्राइम इज ग्रेटर देन f आ जाएगी अब जब आपका सोर्स मूव कर रहा होता है व्हेन सोर्स इज मूविंग योर वेवलेंथ जो अपेरेंट वेवलेंथ होती है यानी कि जो ओरिजिनल वेवलेंथ होती है वो चेंज हो जाती है होता क्या है बच्चों लेट्स से एक वेव पल्स दिस इज द लेंथ ऑफ वन वेवलेंथ इसको यानी कि इसको इमिट करते-करते ये हमारा सोर्स कुछ डिस्टेंस मूव कर जाता है यानी कि एक टाइम पीरियड में ये इमेट होगी तो इसको इमेट करते करते हमारा सोर्स यहां पर मूव कर जाता है तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेव हमारी ये हो जाएगी यानी कि हमारी ओरिजिनल वेव लेंथ ये थी और अब एपरेंट वेव लेंथ ये हो जाएगी तो ये डिस्टेंस कितना होगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टी तो आप इसमें कह सकते हो कि ओरिजिनल वेव लेंथ इक्वल टू एपरेंट वेव लेंथ प्लस

और ये factor आपका वी एस इंटू टी हो गया अब यहां पर अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालेंसी प्राइम को हम लिख सकते हैं v ओवर लेमडा प्राइम और लेमडा प्राइम की वैल्यू हम ये रख देंगे लेमडा प्राइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी v यहाँ पर t हमने कॉमन लिया है विच विल बीवल टू वी माइनस वी एस इंटू टी ये हमने कॉमन लिया है यहां पर ये यह v माइनस वी एस इंटू होल ये t हो जाएगा यानी कि f प्राइम की वैल्यू आपके पास ये फैक्टर इंटू टी है और बच्चों यहां पर ये यह ये जो फैक्टर है आपका एफ नॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्राइम विल बी नॉट ओवर आप देखेंगे ये अगर सोर्स आपका टुवर्ड्स ऑब्जर्वर जा रहा होता है लेट से दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज सोर्स इट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर तो आपका ये फैक्टर आया तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी होती है f प्राइम इट इज इक्वल्स टू f नॉट v min, v ओवर v v s ये आपका ड्यू टू ड्यू टू द चेंज इन वेवलेंथ आपका ये अपेरेंट फ्रिक्वेंसी चेंज होती है बट जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर मूव कर रहा है होता है देन नो चेंज इन वेवलेंथ वेवलेंथ में चेंज नहीं होता है तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज होती है हमारी फ्रिक्वेंसी इस तरह चेंज होती है लेट से ये हमारी वेवलेट या वेव लेंथ है इट इज गोइंग विद स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम दिस इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड और ऑब्जर्वर अगर यहां पर मूव कर रहा है तो ये वेव की स्पीड हो गई वी और ऑब्जर्वर इधर वी नॉट से मूव कर रहा है तो रेलेटिव वेलोसिटी रेलेटिव वेलोसिटी ऑफ वेव क्या हो जाएगी वी प्लस वी नॉट हो जाएगी वी प्लस वी नॉट हो जाएगी तो हम v प्राइम को लिख सकते हैं v प्लस वी नॉट तो हमारी f प्राइम क्या होगी v प्राइम ओवर लेमडा तो हम लेमडा को क्या लिख सकते हैं वी इंटू टी लिख सकते हैं तो f प्राइम की वैल्यू क्या हो जाएगी v प्लस वी नॉट यानी कि v प्राइम ओवर लेमडा की वैल्यू वी इंटू टी आ जाएगी और वन बाई टी का फैक्टर जो ये वन बाई टी का फैक्टर है ये हमारा एफ नॉट बन जाएगा तो आपके पास एफ प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी एफ नॉट वी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरह से यानी कि जब हमारा ऑब्जर्वर मूव करता है तो आपकी एपरेंट जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो चेंज होती है और अगर आपका सोर्स मूव कर रहा है तो आपकी वेव लेंथ में चेंज आता है।, अब in, factors, आपकी होती है तो हमने पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि आपकी जो एपरेंट वेव फ्रीक्वेंसी है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कब बड़ी होगी जब आपका सोर्स और ऑब्जर्वर का डिस्टेंस डिक्रीज होगा यानी कि ये एक दूसरे की तरफ जब मूव कर रहे होंगे तो आपका ये डिस्टेंस डिक्रीज होएगा, और एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमेशा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आएगी और एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से कम कब होगी जब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा यानी कि इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स और सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर इन दोनों ही केस में आपकी

F1 को लिख सकते हैं आप F0. अगर सिर्फ ऑब्जर्वर की वजह से लिखें तो v प्लस वी ओवर वी आ जाएगा ओके okay. सिर्फ हमने ऑब्जर्वर और अगर हम इसको F प्राइम लिखे तो ये ऑब्जर्वर की चलने की वजह से F1 आ गई अब सोर्स की वजह से क्या इंपैक्ट आएगा दिस v माइनस वी एस ये इंपैक्ट आएगा और तो f प्राइम को लिखने के लिए आप f1 की वैल्यू यहां से डालेंगे f0 v vo ओवर v और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे v v minus vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स v v कैंसिल हो जाएगा और आपको ये रिजल्ट आ जाएगा तो आपका नेट इंपैक्ट क्या होगा कि आपका f प्राइम f0 v vo यानी कि ऑब्जर्वर न्यूमिरेटर में आएगा और सोर्स कहां पर आएगी डिनोमिनेटर में तो बच्चों जब एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमें न्यूमिरेटर को इंक्रीज करना है डिनोमिनेटर को डिक्रीज करना है तो ऑब्जर्वर का एड होगा और सोर्स का सब्रैक्ट होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी एफ प्राइम यहां पर कुछ क्वेश्चन कंसिडर करते हैं डॉपलर इफेक्ट पर पहला क्वेश्चन देखिए अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये असिल रिवॉल्व इन अ सर्कुलर एंगुलर स्पीड ओमेगा एंड लेंथ इज दिस If the frequency of sound of sound whistle is 385 hertz what is the minimum frequency heard by an observer which is far away from the center? Velocity of sound is given. तो यहां पर बच्चों क्या केस दिया हुआ है यहां पर दिया हुआ है कि एक स्ट्रिंग में आपने एक विसिल को और ये रिवॉल्व कर रही है यानी कि ये ऐसे रिवॉल्व ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यानी कि एल इक्वल टू रेडियस होगा और रेडियस की वैल्यू 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर हो जाएगी अब यहां से सेंटर से बहुत दूरी पर एक यहां पर ऑब्जर्वर है तो बच्चों अगर ये रिवॉल्व करेगी इस डायरेक्शन में तो ये कभी इस पॉइंट पर आप देखेंगे किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप यहां पर लाइन कंसिडर करें और यहां पर भी लाइन कंसिडर करें एक पॉइंट पर इट विल बी मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स एंड एट अनदर पॉइंट इट विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स तो ये जो वेलोसिटी होगी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर दैट इज ट्वेंटी इंटू वन बाई टू विच इज टेन मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी हो जाएगी तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स ये होगी तो आपको मिनिमम फ्रिक्वेंसी एफ मिनिमम की वैल्यू कब आएगी जब ये अवे मूव हो रहा हो ये अवे मूव हो रहा हो तब आपको मिनिमम फ्रिक्वेंसी आएगी तो हम इसको लिख सकते हैं एफ नॉट वी ओवर वेलोसिटी ऑफ साउंड वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स तो मिनिमम के लिए जब अवे मूव करेगा तो ये प्लस आएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं एफ नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है दैट इज थ्री एटी फाइव और यहां पर वी की वैल्यू आपको थ्री फोर्टी दे रखी है और वी एस की वैल्यू तो ये थ्री फिफ्टी हो जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट थ्री एटी फाइव और यहां पर ये यह आपको थर्टी फोर ओवर थर्टी फाइव आएगा यानी कि इसको आप ले सकते हैं वन माइनस वन बाई थर्टी फाइव इस तरह से वैल्यू आएगी तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 374 सेवेंटी ये आपका आंसर हो जाएगा और आपका आंसर होगा बी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर देखें इसमें दिया हुआ है एन ऑब्जर्वर मूव्स स्टेशनरी सोर्स साउंड विद वन फिफ्थ ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड तो यानी कि आपको ऑब्जर्वर की स्पीड आपको दे रखी है दैट इज साउंड। अब यहां पर सोर्स इमिटेड तो आप यहां पर देखेंगे कर रहा है, तो आपकी जो लेमडा प्राइम होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा वो लेमडा के बराबर होगी और एफ प्राइम की वैल्यू आप लिख सकते हो एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी एफ नॉट वी प्लस वी ओ ओवर अब दिस इज मूविंग ंग स्टेशनरी सोर्स तो यहां पर आप क्या लिखेंगे दैट इज वी प्लस वी ओ डिवाइड बाई तो यहां पर आपका एफ नॉट और ये आप देखेंगे दिस इज वी प्लस वी बाई फाइव डिवाइड बाई वी यू विल गेट सिक्स बाई फाइव एफ नॉट विच विल्वल टू ये आपका वन पॉइंट टू एफ नॉट आ जाएगा F आ जाएगा तो आपकी वेवलेंथ सेम रहेगी लेकिन फ्रीक्वेंसी वन पॉइंट टू हो जाएगी तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन में कहाँ दे रखे हैं फ्रीक्वेंसी वन पॉइंट टू हो जाएगी और वेव लेंथ रिमेन सेम तो आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कंसीडर करें अ कार इज मूविंग टूवर्ड्स क्लिफ अ ड्राइवर साउंड हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी

ड्राइवर साउंड हॉर्न ऑफ फ्रिक्वेंसी यहां पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी आपकी एफ दी हुई है एंड इट इज मूविंग विद से से सम प्राइम प्राइम हम इसको बोल देते हैं, हैं. तो हैं. मूव कर रहा है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी जाते जाते यहां पर हम इसको फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं एफ प्राइम एफ प्राइम की वैल्यू क्या होगी एफ अब यहां पर सोर्स मूव कर रहा है तो वी ओवर वी माइनस वी एस ये लिख सकते हैं दूसरे केस में अब क्या होगा कि ये क्लिफ से ड्राइवर को सुनेगी तो जो फ्रीक्वेंसी यहां पर जाएगी जो फ्रिक्वेंसी क्लिफ को रिसीव होगी वही फ्रीक्वेंसी पर रिफ्लेक्ट होगी बट अब इसका जो ड्राइवर है अब यहां पर जो ड्राइवर है ड्राइवर की वेलोसिटी कार की वेलोसिटी के बराबर होगी अब ड्राइवर आपका ऑब्जर्वर बन जाएगा क्या बनेगा ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर तो को जो साउंड सुनाई देगी देखो यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई कितनी आई एफ प्राइम पहले आप देखेंगे यहां पर f प्राइम क्यों हुई क्योंकि आपकी सोर्स मूव कर रही थी तो यहां पर क्लिफ पर जाने वाली फ्रीक्वेंसी कुछ f प्राइम होगी क्लिफ से रिफ्लेक्ट होने वाली फ्रीक्वेंसी भी f प्राइम होगी और लेकिन ड्राइवर क्योंकि ड्राइवर मूव कर रहा है तो इसको सुनने वाली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे f डबल प्राइम विल बी f प्राइम वेलोसिटी ऑफ सोर्स हम अभी क्लिफ आपकी सोर्स बन जाएगी प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और ये वेलोसिटी स्टेशनरी आपका सोर्स हो जाएगा ये आ जाएगा तो ये आप यहां पर एफ प्राइम की वैल्यू रखेंगे दैट इज एफ वी माइनस वी प्राइम ये एफ प्राइम की वैल्यू हो गई और यहां पर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वी प्राइम ही होगी और ये वी आ गई अब यहां पर आपको दिया हुआ है एफ प्राइम की वैल्यू टू एफ के बराबर है और इसको आप लिख सकते हो एफ इन टू वी प्लस वी प्राइम ओवर वी माइनस वी प्राइम आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास v प्लस वी प्राइम ओवर v माइनस वी प्राइम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करने वाले हैं तो v प्राइम की वैल्यू v बाई थ्री आ जाएगी v प्राइम की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी v बाई थ्री तो आप यहां पर देख सकते हैं ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है तो ये आपको कार की वेलोसिटी पूछी हुई है कार की वेलोसिटी क्या है v और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? V by 3. तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रेवलिंग विद स्पीड थर्टी मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ हिल्स अफ फ्रिक्वेंसी सिक्स हंड्रेड हाउस इफ दसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज थ्री थ्री जीरो मीटर पर सेकेंड द फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्टेड साउंड एज हर्ड बाई द ड्राइवर सिमिलर क्वेश्चन है आप डायरेक्ट लिख देंगे एफ प्राइम विल बी एफ नॉट यहां पर ऑब्जर्वर की प्लस करोगे वी प्राइम यहां पर माइनस कर दोगे सेम टाइप क्वेश्चन है एफ नॉट आपको दे रखा है सिक्स हंड्रेड वलॉसिटी ऑफ साउंड थ्री थर्टी दे रखी है और यहां पर दिस इज थर्टी मीटर पर सेकेंड दिस इज थ्री हंड्रेड थर्टी थर्टी मीटर पर से सॉल्व करेंगे आपको ईजिली सेवन ट्वेंटी हर्ट ये आंसर आ जाएगा बी आपका ऑप्शन होगा सो जब भी, भी आपको एक मूविंग कार के अंदर ड्राइवर है ये कार ही हॉर्न ब्लो कर रही है किसी से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रहा है तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्योंकि एक बार आपका सोर्स मूव करेगा दूसरी बार ऑब्जर्वर मूव करेगा तो फाइनली इवेंचुअली आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है साइर इमिटिंग साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 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 यहां पर दिया हुआ है साउंड ऑफ इज एज फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर लेट से दिस इज ऑब्जर्वर इन दिस इज सोर्स इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टूवर्ड्स अ हाई क्लिफ एक क्लिफ की तरफ मूव कर रहा है एट ए स्पीड ऑफ फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड ओके then frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff. अब ये आप देखेंगे observer आपका stationary है. It is not moving. Stationary है. तो यहाँ पर जो frequency आएगी f prime वही frequency यहाँ से reflect होगी f prime. तो f prime की value आप कैसे लिख सकते हैं that is f into. अब यहाँ पर source आपका move कर रहा है towards the cliff. तो यहां पर हो जाएगा v वी द क्लिफ यानी कि फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वर आपका ओ प्राइम ये बनेगा तो ये v माइनस वी एस हो जाएगा और यहां पर ये 800 आपको दे रखा है इसको आप करेंगे वी एस की वैल्यू 15 है और वेलोसिटी ऑफ साउंड 33 थ्री 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 जीरो दे रखी है और ये हो जाएगी थ्री थ्री जीरो माइनस फिफ्टीन ये वैल्यू आ जाएगी आपका 800 हंड्रेड इंटू थ्री थ्री जीरो ओवर 315. इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा एफ प्राइम विल बी एट over वन और इसको कैलकुलेट करेंगे दिस विल नियरली इसके इक्वल आएगी और यहाँ ऑप्शन वन में आपको ये आंसर दिख जाएगा तो आपका ऑप्शन वन करेक्ट आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कंसीडर किया हुआ है टू कार्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन अप्रोच ईच अद स्पीड ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड एंड सिक्सटीन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड यानि कि हम कार ए और बी बोल देते हैं तो वलॉसिटी ऑफ कार एज ट्वेंटी टू मीटर पर सेकेंड और बी की वैल्यू आपको दे रखी है सिक्सटीन पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड अब यहाँ पर दिया हुआ है ड्राइवर ऑफ फर्स्ट कार्ड यानी कि ये ड्राइवर ऑफ द फर्स्ट कार्ड क्लोज अन फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी इज गिवेन एज फोर हंड्रेड हावर्स द फ्रिक्वेंसी हर्ड बाई द ड्राइवर ऑफ द सेकेंड कार तो इसका ड्राइवर आपको ऑब्जर्वर बनेगा और यहां से हॉर्न ब्लो होता है तो ये आपका सोर्स होगा ए इज द सोर्स ए विल बिहेव एज ए सोर्स एंड बी विल बिहेव एज एब्जर्वर तो आप फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हो एफ प्राइम विल बी एफ आपकी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही मूव कर रहे हैं तो यहां पर आप बोल सकते हो वी ऑब्जर्वर इज मूविंग वी प्लस वी ओ एन वी माइनस वी एस यहां पर वी आपको दे रखा है थ्री फोर्टी एफ थ्री फोर्टी प्लस आपका थ्री फोर्टी माइनस ट्वेंटी एफ प्राइम आप कैलकुलेट करेंगे एफ प्राइम दैट इज फोर हंड्रेड इन टू दिस विल गिव यू थ्री फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव और यहां पर थ्री एटीन थ्री वन एट ये आ जाएगा आप इसको सॉल्व करेंगे दिस विल गिव यू अराउंड फोर फोर्टी एट ये आपका आंसर आ जाएगा तो आपका C, आपका आंसर होगा यानी कि सी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बैट मूविंग विद एट ए टेन मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ए वॉल सेंस साउंड सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज गिवेन एज एट थाउजेंड हर्स उंड तो करती है यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी तो जो साउंड जाती है वो बैट से ही जाती है और जो ऑब्जर्वर रहेगा अगेन बैट ही होगा तो यहाँ पर ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर सेम है बट ये रिफ्लेक्शन को हेयर कर रहा है तो यहां पर देखेंगे ये कुछ एफ प्राइम आएगा और यहां पर सुनने वाली एफ डबल प्राइम एफ डबल प्राइम को आप लिख सकते हो एफ इन टू वी प्लस वेलोसिटी ऑफ बैट वी माइनस वेलोसिटी ऑफ बैट ये हो जाएगा तो दिस इज गिवन एज एट थाउजेंड वलॉसिटी आपको थ्री ट्वेंटी दे रखी है थ्री ट्वेंटी प्लस टेन ओवर थ्री ट्वेंटी 10. इसको आप सॉल्व करेंगे दिस विल गिव यू अप्रोक्स थ्री फाइव वन सिक्स तो ये आपका आंसर हो जाएगा आंसर विल बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है यहां पर बच्चों दिया हुआ है ए एंड बी आर टू सोर्स जनरेटिंग साउंड यानी कि ये फिगर भी दिया हुआ है ए और बी आपको दो साउंड लेट से इसकी फ्रीक्वेंसी आपको एफ ए हो गई और ये आपकी फ्रिक्वेंसी एफ बी हो गई the frequency of source a frequency of source a is given yani ki a ki frequency aapko di hui hai yahan par 500 hertz now now a now moves towards the c iski aapko frequency di hui hai 500 hertz ye ab c ki taraf move karta hai c is the listener तो आप देखेंगे ये अगर observer की तरफ जाता है तो इसकी frequency increase हो जाएगी विथ फोर मीटर पर सेकेंड द नंबर ऑफ बीट्स हर्ड बाई सी सिक्स तो आप यहां पर देखेंगे यू कैन से प्राइम विल बी एफ ए टेन मीटर पर फोर मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो इसको बोल देंगे थ्री फोर्टी ओवर थ्री फोर्टी माइनस फोर सोर्स मूव कर रहा है ये हो जाएगा एफ ए की वैल्यू आपको फाइव हंड्रेड दी हुई है दूसरा आप बोल रहे हैं और इसकी बीट यानी कि एफ बी एफ बी प्लस माइनस यहां पर हम बोल सकते हैं कितने बीट्स पर है दैट बीट पर सेकेंड में अगर प्लस माइनस सिक्स करते हैं तो आपको यह वैल्यू मिल जाती है देन यानी कि सिक्स बीट्स है तो एफ बी और एफ ए की एफ ए प्राइम के बीच में जो डिफरेंस होगा वो सिक्स का होगा नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहां पर नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वेन ए मूव टू अवे फ्रॉम सी विद स्पीड फोर मीटर पर सेकेंड द नंबर ऑफ बीट हर्ड बाई सी इज अब यहां पर क्या हुआ है कि ए अवे मूव कर रहा है ए इज मूविंग अवे एफ ए डबल प्राइम यहां पर हो जाएगा एफ ए थ्री फोर्टी थ्री फोर्टी प्लस फोर और अब आपकी बीट फ्रिक्वेंसी एफ बी प्लस माइनस ट्वेल्व हो तो आपने देखा कि इस फ्रीक्वेंसी को एफ ए डबल प्राइम यानी कि यहां पर ये यह प्लस हो गया ये डिक्रीज हो गई आप यहां पर देखेंगे एफ ए एफ ए डबल प्राइम इज लेस देन एफ ए प्राइम तो जब आपका ऑब्जर्वर लिसनर से दूर जा रहा है तो आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई और बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो ये उस केस में होता है जब आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी यानी कि हम बोल सकते हैं एफ बी माइनस एफ ए प्राइम तो आपने एफ ए प्राइम को अगर डिक्रीज कर दिया ये फर्स्ट केस में सिक्स थी और एफ बी माइनस एफ ए डबल प्राइम तो इस फ्रिक्वेंसी को आपने लोअर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं तो ये डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है तो ये कितना आ जाता है दैट इज इक्व टू सॉरी इट इज गिवन एज एटीन ये ट्वेल्व नहीं है ये एटीन दिया हुआ है तो आप इस केस में आप देख सकते हो कि एफ बी विल बी ग्रेटर देन एफ बी जो होगी आपकी विल बी सिक्स प्लस एफ ए प्राइम होगी एफ ए प्राइम को आप कैलकुलेट करेंगे एफ ए प्राइम इक्व हंड्रेड इन टू थ्री फोर्टी डिवाइड बाई थ्री थर्टी सिक्स कैलकुलेट करेंगे दिस विल गिव यू अराउंड फाइव जीरो सिक्स एफ बी की वैल्यू आपके पास सिक्स प्लस एफ ए प्राइम ये आ जाएगी दिस विल गिव यू फाइव वन टूर्स तो आपको बस ये देखना है कि जब ये फ्रीक्वेंसी को आपने डिक्रीज कर दिया इस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दिया तो बीट फ्रीक्वेंसी आपकी 6 से 18 हो गई बी की फ्रीक्वेंसी आपने कोई चेंज नहीं किया तो यानी कि ये जो फ्रीक्वेंसी एफ ए प्राइम ये आपकी एफ बी से कम होगी क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करने से बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है यानी कि आपने लोअर वाली को डिक्रीज किया है तभी ये डिफरेंस इंक्रीज हुआ है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी जो एफ बी है इट इज ग्रेटर देन एफ ए तो एफ ए को आप निकाल लेंगे दिस इज 506, इसमें 6 ऐड कर देंगे तो 512। ये आपकी बी की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी और आपका आंसर हो जाएगा यानी कि सी